दोस्तों, एक शेर चिल्लाता है, गुर्राता है, अपनी धौंस दिखाता है और सोचता है कि लोग मुझसे डर रहे होंगे। फिर वो देखता है कि वो बिहाइंड द बार्स है, वो तो एक चिड़ियाघर में कैद है। तब उसे ध्यान आता है कि अच्छा होता मैं जंगल में होता, मैं आज़ाद घूमता, लोग मुझसे डरते। फिर एक और ख्याल उसके मन में आता है कि क्या पता जब मैं बाहर होता तो मेरा शिकार हो जाता, कुछ भोजन की वजह से भी मुझे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि मैं प्यास से भी मर जाता। तो दोस्तों, यहाँ ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में ही मज़ा आता है। वे हमेशा चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। वे शायद इसीलिए बने हैं। एक वोट का जन्म इसलिए नहीं होता है कि वो एक किनारे बंधा रहे। एक वोट का जन्म इसलिए होता है कि वो लहरों से टकराए, उससे दो चार करे, यानी उससे उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे, उनसे जूझे और फिर वो अपने आप को प्रूव करे कि मैं किसी खास उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा कंफर्ट जोन है उससे बाहर आने की कोशिश करें। हमेशा अपने लाइफ को, अपने थॉट को, अपने पोटेंशियल को एक्सपेंड करने की कोशिश करें और फिर देखें कि रियल चैलेंज कैसे शुरू होता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पोटेंशियल का लिमिट क्या है, आप कितने एंड्योरेंस रखते हैं, कितनी सहनशीलता रखते हैं, कितनी मुसीबतों को झेल सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा पिच रोड पे चढ़ने का आदि हो जाता है, उसके लिए थोड़े से कंकड़ भी उसके पैर को चुभने लगते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी अपने आप को बनने मत दें। हमेशा आउट सिचुएशन फेस करने की कोशिश करें। हमेशा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करें और आप दिन ब दिन ग्रो करते चले जाएंगे, आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएंगे, क्योंकि यही आपका मेन मोटो है, यही आपके लाइफ का मेन मोटो है, यही आपका मेन पर्पस है कि आप अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करें, बेस्ट वर्जन को अटेंड करें। आप हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएं। कुदरत भी यही चाहती है, भगवान भी यही चाहता है। तो आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करें, वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए अच्छा ही रहेगा और आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने में मदद करेगा। थैंक यू। वी विल मीट अगेन विथ अनदर वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।